पीआईए के प्रवास को हीथ्रो के बजाय स्टैंसटेड उतार लिया गया। पीआईए के प्रवास में फाइनेंशियल फ्रॉड में मतलूब शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारी कार्रवाई में 150 पाकिस्तानी मुसाफिरों को 6 घंटे तक तोहीन अमेज हद से भेजा जैसी सूरतेहाल का सामना करना पड़ा। लाहौर से लंदन की पीआईए प्रवास सेट के PK757 को हीथ्रो एयरपोर्ट के बजाय स्टैंसटेड हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने तैयारी को घेरे में लेकर तलाशी ली और फाइनेंशियल फ्रॉड में मतलूब एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पीआईए के मुताबिक बम की इत्तला लैंडिंग से 8 घंटे कबल एक मुहिम फोन कॉल के जरिए मौसूल हुई। मुसाफिरों का कहना था कि पीआईए के अमले और पाकिस्तानी हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे ने उनकी दादरसी नहीं की। 6 घंटे गुजरने के बावजूद प्रवास को क्लियर नहीं किया गया, जिससे बच्चों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन आपको बताते चले, पीआईए के प्रवास को हीथ्रो के बजाय स्टैंसटेड उतार लिया गया। पीआईए के प्रवास में फाइनेंशियल फ्रॉड में मतलूब शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारी कार्रवाई में 150 पाकिस्तानी मुसाफिरों को 6 घंटे तक तौहीन अमेज़ हद से भेजा में जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा।